जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मंदिर को रंग दिया गया है। देखिए भोलेनाथ के मंदिर, ये हम लोग रेलिंग लगवा दिए हैं, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। कलर कर दिया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। यहाँ पे सब बहुत ही प्यारा जंगल है, जान नहीं रहे हैं आप लोग तो, दिखाए हैं वीडियो में आपको, देखने कितना घना जंगल है। और ये है रास्ता आने के लिए, हाइट है ऊपर, बहुत अच्छी खासी हाइट है। उसके बाद यहाँ पे ये मंदिर का दृश्य देखिए, दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप लोग देख कर कहेंगे वाह क्या मंदिर है। यहाँ पे आने वालों के लिए बहुत ही अच्छी जगह दर्शन कीजिए। इस समय मंदिर कलर कर दी गई है, कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हैं। श्री नारायण नाथ बाबा का स्थान बहुत ही सुहाना स्थान, बहुत इस रेलिंग को हम लोग लगाए हैं, देख रहे हैं पहले खुला रहता था, अगली वीडियो में आप लोग देखेंगे हम लोग रेलिंग लगवा कर बहुत ही इनको सुंदर तरीके से सजा दिए हम लोग। सबके सहयोग से ये रेलिंग लगी है, सब लोग के सहयोग से, पूरे गांव के सब लोग सहयोग किए हैं इस रेलिंग में। और ये रेलिंग का काम संपन्न हुआ आज, देख सकते हैं जैसा कि आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं, रेलिंग का काम संपन्न हो गया है। हमारे पिंटू दादा हैं ये, देखिए पिंटू सिंह, पिंटू गिरी, ये रेलिंग का काम संपन्न हुआ आज। और ये कलर भी हो गया, मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एक बार आप लोग कोशिश करके समय निकाल कर बाबा का दर्शन करने जरूर आए आप लोग, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस मंदिर पर जो आता है उसकी जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है, और हर एक बाधा से संकट से उसे छुटकारा मिलता है, उसको बाधाएं से। आइए, आने का रास्ता है इधर मार्ग, और ये है हाइट अच्छी खासी, देख ही रहे हैं आप लोग को दिखा चुके हैं। हरियाली छाई हुई है, मंदिर एकदम घनघोर जंगल में है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। हाँ बहुत अच्छी जगह, यहाँ हर एक मनोकामना चाहे कोई भी हो, दर्शनार्थी भी यहाँ दूर दूर से आते हैं लोग। वहाँ गंगा जी हैं उधर, और ये है दृश्य पहाड़ों के ऊपर, श्री नरहरनाथ बाबा स्थान, नेदिलपुर ग्राम, नेदिलपुर पोस्ट धराओं, जिला चंदौली, थाना धानापुर के अंतर्गत में आता है। जय श्री। शिवम 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 शिवम।